अब बताओ, हर एक बड़े तक पहुंचने के लिए छोटे की जरूरत पड़ेगी ना। अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह की जरूरत, और रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए गौसे आजम, और गौसे आजम तक पहुंचने के लिए जो हिंदुस्तान में अल्लाह वाले हैं, हुजूर साबिर पिया सुभान अल्लाह, हुजूर करीब नवाज सुभान अल्लाह, हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हुजूर आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मखदूमे सिमना, हुजूर सैयद आले रसूल महाना रबी, हुजूर शाह बरकतुल्ला, तमाम जितने भी अल्लाह वाले इंडिया में हैं, इन सब की अल्लाह वालों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक का दामन भी पकड़ लिया ना तो इंशाअल्लाह हमारा रिश्ता गौसे आजम के कदमों में पहुंच जाएगा, और जब गौसे आजम में पहुंच जाएगा तो रसूल आजम में पहुंच जाएगा, और रसूल आजम के कदमों में पहुंच गया तो हमारा रिश्ता खुदा से मजबूत। इसलिए हम बड़े खुश नसीब हैं, हम ग्यारहवीं वाले भी हैं और गरीब नवाज की छठी वाले भी हैं और साबिर पिया वाले भी हैं। हमारा तो इलाका अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से लबरेज है। इधर जाओ तो अल्लाह के वली, इधर जाओ तो अल्लाह के वली, पश्चिम में जाओ तो अल्लाह के वली, और उत्तर में जाओ तो अल्लाह के वली। साबिर पिया का कमाल, मोहब्बत से झूमकर सुभान साबिर पिया का कमाल। लोग कहते हैं ना, हमसे कहते हैं लोग, ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई, मैं देखो हुजूर साबिर पिया ने क्या किया। मैंने कहा क्या किया बताइए आप। बोले देखो उनकी एक मशहूर करामत है। मैंने कहा कौन सी करामत मशहूर है जरा बता दो। बोले वो करामत मशहूर है कि जुमे के दिन हुजूर साबिर पाक पहुंच गए मस्जिद में, लोगों ने आपको बाहर कर दिया बच्चा समझ के, है ना, बच्चा समझ के बाहर कर दिया। बोले फिर क्या हुआ। बोले साबिर पिया ने कह दिया कि सब लोग सजदे में, तो मस्जिद तू भी सजदा कर ले। मैंने कहा ये करामत हमने भी सुनी है भाई। बोले ये सही है गलत। मैंने कहा हम सही है तभी तो बयान करते हैं लोग, तो बोला ये गलत है। मैंने कहा कैसे। बोले अब देखिए तवज्जो, बोले गलत है। मैंने कहा कैसे गलत है, आप बताओ कैसे गलत है। बोले देखो वली वो होता है जो दूसरों पे जुल्म नहीं करता। वली कौन होता है जो दूसरों पे, अरे बोलो दूसरों पे जुल्म नहीं करता। और हुजूर साबिर पिया ने जो मस्जिद को कह दिया कि तू भी सजदा कर ले, तो उसमें जिन्होंने निकाला वो तो दबी दबी, और जिन्होंने नहीं निकाला वो भी तो दब गए। तो मैंने कहा अच्छा, अगर यही काम हम तुम्हें नबी की जिंदगी से साबित कर दें तो, अरे नबी की जिंदगी से साबित कर दें तो क्या मतलब। हम तुम्हें हदीस सुनाते हैं, मोहब्बत से बढ़ जाओ कर सुभान अल्लाह। हजरत मूसा का जलाल मशहूर है, हजरत मूसा का जलाल। और देखो हर वली के अंदर किसी ना किसी नबी का मौजजा जरूर होता है, हर वली के अंदर किसी नबी का मौजजा जरूर होता है। नबी से अनहोनी हो जाए तो मौजजा होता है, वली से अनहोनी हो जाए तो करामत होती है। हुजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बस्ती वालों ने पीछा किया, जुल्म किया ना, तो आपको जलाल आ गया। पता क्या दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू आसमान से पत्थर बरसा। अब सताने वाले पूरी बस्ती के थोड़े ही थे, हम चंदी तो थे, लेकिन जब पत्थर बरसे आसमान से तो जितनी बस्ती वाले थे सब मर गए, सब मर गए। अब ये सवाल हम भी कर सकते हैं तुमसे कि ये बताओ नबी का काम ये कब है दूसरों को जुल्म करना। माशाल्लाह पता चला वो सब एक ही स्टाफ में थे जिन्होंने जुल्म किया था मूसा के साथ, तो बिल्कुल क्लियर में सब लोग एक ही स्टाफ में थे। ये साबिर पिया को निकालने वाले थे, साबिर पिया ने साबित कर दिया कि हम अगर जिद पे आ जाएं तो दुनिया का निजाम बदल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के सदके से वलियों को इतना पावर दे दिया है कि जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर। इसलिए हुजूर साबिर पाक से भी मोहब्बत करो, और मैं तो ये कहता हूँ ईमानदारी से, साबिर पाक से मोहब्बत करो, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करो, हुजूर आला हज़रत से मोहब्बत करो, तमाम अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। मोहब्बत सिर्फ करामतों की मत करो, उनकी जिंदगियों से भी मोहब्बत करो, उनके किरदार से भी मोहब्बत करो। उन्होंने नमाज पढ़ी है नमाज भी पढ़ो, उन्होंने रोजे रखे रोजे भी रखे, उन्होंने बड़ों का अदब किया तुम भी बड़ों का अदब करो, उन्होंने छोटों पर मोहब्बत की है आप भी छोटों से मोहब्बत करो। और ईमानदारी से बताओ, अच्छा जिस हालत में हम बैठे मेरे गौसे आजम हमारे खबर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, बोलो। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात समझिए, लाउड स्पीकर माइक है, मेरे गौसे आजम ने जब बगदाद में जुमला कहा था ये मेरा कदम, गौसे आजम ने क्या फरमाया ये मेरा कदम हर वली की गर्दन, हर वली की कदम कहा गौसे आजम ने, मेरा कदम हर वली की गर्दन पे। अब सब वली बगदाद में थोड़ी थे, अरब में भी थे, इंडिया में भी थे, है ना, और यूरोप में भी थे, पूरी दुनिया में अल्लाह के वली थे। फिर ये कैसे जहन में आ गया
कि बोले बगदाद से गौसे पाक और इंडिया में गरीब नवाज ने कैसे सुन लिया। पॉइंट की बात है ना, बोले अब तो मोबाइल है ना, जब तो मोबाइल भी नहीं था, आप चाहो तो सऊदी अभी कॉल लगा दो मेरी तकलीफ सुनवा दो कोई भी सुन लेगा, मगर जब तो मोबाइल भी नहीं था, गौसे आजम बोले बगदाद में और गरीब नवाज ने सुन लिया इंडिया में। गौसे आजम ने कहा मेरा कदम हरवली की गर्दन पे, गरीब नवाज ने अपना सर झुकाया, कहा गौसे आजम जहां चाहो कदम रख लो ये सर हाजिर है। अल्लाह वाला का यार कैसा मामला, उनकी ताकत कैसी है, वायरलेस और फोन का भी कोई सिस्टम बेकार है उनकी, तो हमने सामने की है, उधर वो बोले इधर ये बोले, ये पावर आई कैसे समझ ले। अब समझो आखिरी बात सुना रहा हूँ, तकीक तो मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। 23 साल में कितनी डिग्री, 26, कितनी 26। अच्छा मैं आपके सामने तकी कर रहा हूँ, मुझे कोई शर्म लग रही है नहीं, आपको मुझसे शर्म लग रही है नहीं, मगर गौसे आजम फरमाते तवज्जो सुन लो, गौसे आजम फरमाते मेरे पास इतनी डिग्रियां थी मगर मैं बगदाद वालों के सामने बोलते हुए शर्माता था, तकरीर करते हुए शर्माता था, मुझे शर्म लगती थी लोगों के सामने बोलते हुए। गौसे आजम फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर क्या करेगा रुक के, इससे बेहतर तो जिंदगी जंगल की बेहतर है ना, मैं झोपड़ी डाल ली वहीं अल्लाह करना, इल्म है और दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता तो फायदा क्या है। गौसे आजम के दिमाग में ये बात आई, रात को जब सोए ना आमना के लाल तशरीफ ले आए, मोहब्बत से उठ कर सुभान अल्लाह, मेरे और तुम्हारे आका आ गए, और गौसे आजम के ख्वाब में आके नबी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है, बगदाद क्यों छोड़ रहे हो, बस्ती क्यों छोड़ रहे हो, शहर क्यों छोड़ रहे हो, बेटा अब्दुल कादिर क्या वजह है जंगल में जाने की। नाना जान क्या करूं, इल्म बहुत है, लोगों के सामने बोलते हुए शर्म आती है, बोलूं तो किस हिम्मत से बोलूं, कहां से लाऊं वो जज्बा जिसके सामने बोलूं। गौसे आजम से नबी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर ये बारगाह वो है यहाँ देर, अरे बोलो यहाँ देर नहीं है। गौसे आजम से नबी आजम ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो, गौसे आजम ने मुंह खोला, मेरे नबी पाक ने थूक मुबारक निकाला अपना, नबी ने थूक निकाल के गौसे आजम के हल्क में टपकाया और कहा बेटा अब्दुल कादिर ले, अब तेरे मुंह में ये थूक पहुंच गया, अब बेटा अब्दुल कादिर तू बोलेगा बगदाद से, बोलना तेरा काम है सुनाना खुदा का काम है, तू बगदाद से बोलेगा और पूरी दुनिया में तेरे बोलने की आवाज आए। ईमानदारी से मैंने आपके जज्बे को देख के इतनी लंबी चौड़ी तकी कर दी, ये बहुत भारी मजमे में तकी करने की थी, मगर मैंने मोहब्बत का लिहाज रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अरे बहुत पावरफुल है गौसे आजम, ये थूक नबी का मिला, और मैं तो ये कहता हूँ जल्द सुन, अरे भाई जब नबी के थूक में इतना कमाल है कि गौसे आजम बोले बगदाद से और पूरी दुनिया में आवाज सुनाई जा सकती है, जब रसूल के थूक में इतना कमाल है तो रसूल की जात में कितना कमाल होगा, मुस्तफा में कितना कमाल होगा, अब्दुल कादिर गौसे आजम में इतनी पावर है नबी की वजह से तो खुद नबी में कितनी पावर होगी, सुभान अल्लाह, खुद नबी का मकाम कितना होगा। इसलिए हम सबको चाहिए से मोहब्बत करें, गौसे आजम की प्यार ग्यारहवीं करें, गौसे आजम के नाम से नजरनियाज करें। और मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा आपने ये किया बड़ी ग्यारहवीं की निस्बत से अच्छा काम किया, बड़ा काम किया, हो सके तो आप ज्यादा नहीं किलो दो किलो या तीन किलो या चार किलो जितना भी मैसर हो हर महीने ग्यारहवीं की फातिहा करना, फिर मुझे बताना एक साल के बाद कि कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना करम किया, इंशाल्लाह तुम इस बात का तजुर्बा कर लेना, मोहब्बत से करना और बड़ी जिंदगी में ऐसे लोग मुझसे मिले और जिनके साथ, और हम खुद भी, मैं खुद भी इस चीज का गवाह हूँ कि जब भी कोई दिक्कत आती है हुजूर गौसे आजम को दिल से पुकारते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की अता से मुस्तफा की अता से मेरे गौसे आजम मदद करते हुए नजर आते हैं। गौसे आजम से मोहब्बत करो, गौसे आजम से प्यार करो, उनकी जिंदगियों को और नमाज भी क्या पढ़ो, ये नहीं है सिर्फ ग्यारहवीं की गौसे आजम की करामतें सुनते रहो, उनकी जिंदगी से मोहब्बत करो। गौसे आजम जितने बड़े वली है ना उतने बड़े इबादत गुजार भी है। 40 साल तक कितने साल तक, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और
रात के तीन हिस्से करते थे, कितने हिस्से? तीन हिस्से, तीन हिस्सों में बांटते थे रात को। पहले हिस्से में आप नमाज पढ़ते थे और दूसरे हिस्से में कुरान पढ़ते थे सुभानअल्लाह, और तीसरे हिस्से में अपना सर रब की बारगाह में रखते थे। जब तक फजर की अजान नहीं होती थी गौसे आजम अपने सर को जमीन से नहीं उठाते थे सुभानअल्लाह। और मैंने पढ़ा 15 साल तक मुसलसल गौसे आजम ने एक रात में एक कुरान पढ़ा, एक रात में एक कुरान पढ़ा 15 साल तक।